हाय एवरीवन, वेलकम टू करंट क्रंच। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये वीडियो होगा आपके मॉडर्न हिस्ट्री के पोर्शन का। तो मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स ये बोल रहे थे मैं एमसीक्यूज लेके आऊँ मॉडर्न हिस्ट्री के, तो आई थॉट एक वीडियो बनाते हैं जिसमें आपका सारा पोर्शन जो है सिलेबस का वो कवर हो जाएगा। अब उन लोगों के लिए तो ऑब्वियसली हेल्पफुल रहेगा ही जिन लोगों ने ऑलरेडी मेरे वीडियोज़ देखे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, प्लस वो लोग जिन्होंने अभी तक मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ी है। ये क्वेश्चंस मैंने वैसे सेट किए हैं कि एक क्रोनोलॉजी में सारे चलते हैं, ठीक है। तो आपने अगर अभी तक मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ी, जो एग्जाम में आने वाली है, तो आप ये वीडियो देखो। दो वीडियोस, दो पार्ट्स में मैं ये कंप्लीट करूंगी। आप दोनों पार्ट्स देखो, काफी हद तक आपको हिस्ट्री क्लियर हो जाएगी एंड हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चंस भी आपके सॉल्व हो जाएं, ठीक है। क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो हैं एक सीक्वेंस में चलेंगे टाइम लाइन के अकॉर्डिंग, एंड काफी चीजें एंड काफी कुछ जो है आपको इन वीडियो से क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अब जो मेरी चैनल को पहली बार देख रहे हैं, पहले मैं उनके लिए बता दूं, मैं कोर्सेज लाती हूँ आपके जेके एस एस बी एग्जाम के। तो करंटली हमारा सुपरवाइजर का एग्जाम चल रहा है जिसमें मैंने स्पेशलाइजेशन वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट कराया हुआ है, ठीक है। उसका फुल सिलेबस कंप्लीट है। करंटली उसकी मैराथन कम रिविजन सीरीज चल रही है, कम रिविजन, जिसमें करंटली हम यूनिट 5 का रिविजन कर रहे हैं। यूनिट 5 का पार्ट 1 मैंने आज अपलोड कर दिया है, पार्ट 2 भी आपको कल या परसों मिल जाएगा। उसके बाद हमारा साथ में एमसीक्यू सीरीज चल रही है, वो भी हमारी 4 यूनिट्स तक कंप्लीट है। एंड फिफ्थ यूनिट जो है एमसीक्यू, वो भी आपको जल्दी मिल जाएगा। ये जब हमारा मैराथन खत्म हो जाएंगे 5 यूनिट्स, तो उसके बाद हम स्कीम्स का रिविजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हिस्ट्री भी मैंने आपको कंप्लीट करवाया हुआ है एंड कॉन्स्टिट्यूशन भी। तो अगर आप सुपरवाइजर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आने वाले किसी भी एग्जाम की, जेके एस एस बी के, जैसे कि आपका एनटी या कॉन्स्टेबल का एग्जाम, तो आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। या अगर आप केएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो भी आपको काफी बेनिफिशियल रहेगा ये चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं जनरल स्टडीज के भी वीडियोस लेके आऊंगी। प्लस अगर आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी है एंड आप यूपीएससी या स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पे मैं यूपीएससी सोशियोलॉजी भी कवर करवा रही हूँ जिसमें पेपर ए हमारा कंप्लीट हो गया है एंड करंटली पेपर बी जो है वो चल रहा है, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, ठीक है। तो वो हमने किस सोर्स से कवर किया है, नितिन सांगवान एसेंशियल सोशियोलॉजी, मैंने वर्ड टू वर्ड सारा कवर करवाया हुआ है, फाइन। तो ये सारी चीजें अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मुझे कमेंट से बताएं आपको वीडियोस कैसे लगते हैं, ठीक है। एंड अगर जो ये काम है कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है फॉर यू गाइज, अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भेज सकते हैं, वो हार्ट के अंदर जो डॉलर साइन होता है कॉमेंट सेक्शन में, या आप ज्यादा जेनरस फील कर रहे हैं तो आप वॉलेंटियरली भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके लिए आपको मेरा यूपीआई आईडी कॉमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिल जाएगा, फाइन। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं हम रिवॉल्ट ऑफ 1858 की तरफ। हम मॉडर्न हिस्ट्री ट्रेस करते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1858 से, ठीक है। तो ये जो हमारे एमसीक्यूज होंगे उसके आगे वाले 1858 से लेकर 1947 जब तक हमें इंडिपेंडेंस मिली तब तक बेस्ड है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द प्राइमरी रीजन फॉर द इनएक्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया क्यों था? डिमांड फॉर द इंडिपेंडेंस बाय इंडियन रूलर्स, नो। द नीड टू प्रोवाइड इम्प्रूव ट्रेड रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन, नो। द एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स एंड अनरेस्ट ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857, सी। तो आंसर इसमें सी होगा, क्योंकि रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था, काफी प्रॉब्लम चल रही थी ब्रिटिशर्स जो यहाँ पे थे उनके खिलाफ, लोगों को काफी ग्रजेस थे, ठीक है। उनका रूल सही से नहीं हो रहा था, काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन था। इकॉनमी जो है इंडिया की ट्रेडिशनल इकॉनमी, जैसे हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम वगैरह जो काम यहाँ होता था वो सारा डिसरप्ट हो गया था। लोगों को टैक्सेस बहुत पे करने पड़ते थे, ठीक है, मतलब बुरा हाल हो गया था लोगों का हर साइड से, फूड स्केयर्सिटी फैल गई थी। तो लोगों ने रिवॉल्ट किया, ठीक है, रिवॉल्ट ऑफ 1857। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है, एंड वो किसने कहा है, वो कहा है वीडी सरवाकर ने, ठीक। एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट कहाँ से हुआ था, इसको सिपॉय म्यूटिनी भी बोलते हैं, क्योंकि ये स्टार्ट किया था उन ऑफिसर्स ने, ऑफिशियल्स ने, सिपॉयज ने, जो कहाँ काम करते थे, ब्रिटेन आर्मी में, ठीक है, जो इंडियंस थे लेकिन ब्रिटेन आर्मी में काम करते थे। और स्टार्ट कहाँ से हुआ था, मेरठ से। तो ये इसकी और कुछ एडिशनल एक दो चीजें, ऐसे ही जहां जहां मुझे लगी कि मैं आपको कुछ एडिशनल पॉइंट्स ही बताती चलूंगी जिससे आपका हिस्ट्री क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो 1857 रिवॉल्ट हो गया, उसके बाद जब भी रिवॉल्ट हुआ तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, एक्ट लाया कि नहीं, गवर्नमेंट को भी कुछ रिएक्शन अपना देना था, तो उन्होंने कुछ एक्ट के थ्रू कंसेशन लाए। ऑल्दो ये कंसेशन नहीं थे, पर चलो उनको भी दिखाना था लोगों को कि हाँ हम भी कोई काम कर रहे हैं तुम्हारे लिए। तो आया रिवॉल्ट ऑफ 1858 एक्ट, ठीक। तो इसका आंसर है सी। व्हाट सिग्निफिकेंट चेंज इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 इंट्रोड्यूस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। तो क्या चेंज आई थी, मैंने आपको अपने लेक्चर्स में बार बार कहा है, पहले जो रूल था यहाँ पे वो कंपनी रूल था।
ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी इंडिया में मेजरली स्पाइसेस का ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो ऐसा ऐसा उन्होंने क्या किया, यहाँ पे कमर्शियल पॉलिटिकल पावर जो है अपना वो ले लिया। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये बेसिकली प्राइवेट कंपनी थी इंग्लैंड की, अभी तक इसके पास सारा पावर था। जब रिवॉल्ट ऑफ 1858 आया तो ये जो पावर है वो क्राउन ने अपने पास ले लिया, क्वीन ने, ठीक है। तो इसके बाद के जितने भी एक्ट आएंगे वो अंडर क्वींस रूल होंगे, और इससे पहले क्या चलता था, कंपनी रूल। कौन सी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आंसर वुड बी ए, ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। हु वाज अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो पहले गवर्नर जनरल होते थे, इस 1858 एक्ट के बाद गवर्नर जनरल की जगह क्या आ गया, वॉइसराय ऑफ इंडिया। विच ऑफिस वॉज क्रिएटेड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 टू ओवरसी इंडियन अफेयर्स इन ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में एक ऑफिस क्रिएट किया गया था ओवरसी करने के लिए इंडियन अफेयर्स को, उस ऑफिस को क्या बोलते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो इस ऑफिस के साथ एक काउंसिल सेटअप की गई थी, 15 मेंबर काउंसिल, 15 मेंबर काउंसिल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के बारे में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 इंक्लूडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया। इसका फंक्शन क्या था, इसका फंक्शन था एडवाइस करना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को। तो आंसर वुड बी बी, टू एडवाइस द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। विच ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड इन 1828 बाय राजा राम मोहन रॉय एम्ड एट सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म इन इंडिया। तो आंसर इज ब्राह्मो समाज, ठीक है। तो क्रोनोलॉजिकली ऑल दो हम 1858 में चल रहे हैं, लेकिन बीच में कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो आई थी, ठीक है, या कुछ मूवमेंट बीच में चली थी, उसका हम एक एक आधा क्वेश्चन वो भी मैंने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। हु वॉज अ फाउंडर ऑफ आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती। थियोसोफिकल सोसाइटी विच प्लेड अ रोल इन द इंडियन सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट वॉज को फाउंडेड बाई विच प्रोमिनेंट फिगर। इट इज ब्लावित्सकी, इसको मैडम ब्लावित्सकी भी बोला जाता है। आंसर यहाँ पे मैंने मैंशन कर दिया हुआ है गलती से। विच इंडियन विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म बाय देवेंद्र नाथ टैगोर इन 1843 एम्ड एट प्रमोटिंग द ब्रह्मो समाज आइडियल्स। तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी जो प्रमोट करती ब्रह्मो समाज आइडियल्स को, इट वॉज इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, फॉर्म की थी देवेंद्र नाथ टैगोर ने। हु फाउंडेड द यंग बंगाल मूवमेंट इन 1820s, इट वॉज टू प्रमोट रेडिकल आइडियाज एंड रिफॉर्म इन सोसाइटी, इट वॉज हेनरी लुई विवान डिरोजियो, ठीक है, इसको विवान डिरोजियो भी बोलते हैं शॉर्ट में। द पूर्ण स्वराज्य सभा एंड ऑर्गेनाइजेशन एम्ड एट रिप्रेजेंटिंग इंडियन इंटरेस्ट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज फाउंडेड इन 1870। हु वॉज वन ऑफ इट्स की लीडर्स। तो पूर्ण स्वराज्य सभा जो था उनके एक की लीडर का नाम क्या था, उनके जो की लीडर्स थे उनका नाम क्या था, एम जी रनाडे, या उनको शॉर्ट में एम जी रनाडे भी बोलते हैं, पूरा नाम है महादेव गोविंद रनाडे, ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय आनंद मोहन बोस एंड सुरेंद्र नाथ बैनर्जी इन 1876 इन कैलकटा एम्ड एट प्रमोटिंग पॉलिटिकल अवेयरनेस एंड यूनिटी अमंग इंडियंस, ठीक है। तो इन्होंने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की थी जो काफी इंपॉर्टेंट थी प्री INC ऑर्गेनाइजेशन, एंड द आंसर इज बी, इंडियन एसोसिएशन। हु इज कंसिडर्ड द पोलिटिकल मेंटर ऑफ द मॉडरेट्स विद इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। द पोलिटिकल मेंटर ऑफ मॉडरेट्स किसको माना जाता है, दिस इज बी दादाभाई नेहरू जी। तो काफी इंपॉर्टेंट लीडर भी थे मॉडरेट्स के, इसको पॉलिटिकल मेंटर मान लो मॉडरेट्स का, या वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर्स। तो आंसर वुड बी बी, दादाभाई नेहरू जी। इनको दादाभाई नेहरू जी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। हमने स्पेशलाइजेशन में भी पढ़ा है इनका थोड़ा बहुत पॉवर्टी एस्टिमेशन से रिलेटेड, ठीक है। इन्होंने फेमस बुक लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, ठीक है। और इन्होंने हमें थियोरी दी थी इकोनॉमिक ड्रेन की, कि कैसे इंडिया की सारी वेल्थ ब्रिटेन अपने होम कंट्री में ले रहा है। विच ऑफ द लीडर्स वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द मॉडरेट फेज ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। अब इनमें से कौन सा ऐसा लीडर है जो मॉडरेट फेज, जो मॉडरेट नहीं था, वो था बाल गंगाधर तिलक। इन विच ईयर डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस होल्ड इट्स फर्स्ट सेशन मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ द मॉडरेट फेज, इट इज 1885, ठीक है। तो हमने 1858 से स्टार्ट किया, फिर हमने कुछ प्री INC इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो थी उनका नाम वगैरह देख लिया। अब हम आ गए हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले फेज में। हु प्रिजाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885, इट वॉज वोमेश चंद्र बैनर्जी, एंड ये कहाँ पे हुआ था, बॉम्बे में, ठीक। विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस सॉ द अडॉप्शन ऑफ द रेजोल्यूशन ऑन स्वदेशी रिफ्लेक्टिंग द मॉडरेट सपोर्ट फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ठीक है। द आंसर इज ए, 1905 बनारस सेशन, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या किया था, कहा था कि हाँ हम स्वदेशी जो है उसको सपोर्ट करते हैं उस रेजोल्यूशन को,
एंड 1906 में क्या हुआ था, स्वराज पहली बार बोला गया था क्योंकि तब तक एक्सट्रीमिस्ट्स का इन्फ्लुएंस हो गया था कांग्रेस पे, ठीक है, एंड जो मॉडरेट्स थे उनका स्टार्टिंग से स्वराज नहीं था, वो स्वराज की बात नहीं करते, उनको बस कुछ काउंसिल रिफॉर्म्स वगैरह चाहिए थे। और उनका मेथड क्या था प्रोटेस्ट करने का, 3 P's उसको बोला जाता है, प्रेयर, पेटिशन एंड प्रोटेस्ट, ठीक है। प्रेयर का मतलब हो गया प्रेज करना ब्रिटिश क्राउन को, पेटिशन हो गया जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है या वॉइसराय है उनको बार बार एक रिटन फॉर्मेट में बोलना कि उनको इंडियंस को क्या चेंजेस चाहिए, एंड प्रोटेस्ट मीन्स मीट करना उनको, थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन टाइप उसको बोला जाता है, ठीक है। एक्चुअली वो वॉयलेंट या वैसा टाइप का कोई प्रोटेस्ट या धरना नहीं, बस थोड़ी मीटिंग होल्ड करना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ या वॉइसराय के साथ, ठीक है। तो ये और 1905 में ये क्या हुआ था, ये किसको, स्वदेशी रेजोल्यूशन बेसिकली किसके अगेंस्ट था, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स है वो बंगाल की यूनिटी को ब्रेक करना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने क्या किया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए डिसाइड किया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक। उन्होंने कहा था हम बंगाल को पार्टीशन करेंगे, तो इसके अगेंस्ट एक एंटी पार्टीशन मूवमेंट जो है पूरे इसमें चली थी, बंगाल में चली थी एंड इंडिया के बाकी कुछ पार्ट्स में भी एंटी पार्टीशन मूवमेंट। तो एंटी पार्टीशन के साथ स्वदेशी मूवमेंट भी चली थी कि प्रमोट करो इंडियन गुड्स को, इंडियन मेड गुड्स को, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को, ठीक है। तो ये डिटेल मैंने वीडियो में दिया, यहाँ पे मैं डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं, बस जो मैंने आपको ये बोला है वो याद रख लो। और ये याद रखो जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है उसकी डेट कौन सी थी, 16th अगस्त 1905। तो कब ये पार्टीशन फोर्स में आया था, 16th अगस्त 1905, ठीक है, ये याद रख। द मॉडरेट लीडर्स ऑफ आईएनसी बिलीव इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव, तो किस मेथड पे वो बिलीव करते थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेथड्स एंड पेटिशंस जो मैंने अभी आपको बताया। विच प्रोमिनेंट मॉडरेट लीडर इज नोन फॉर हिज रेन थियरी, ये भी मैंने अभी आपको बताया, इट इज योर दादाभाई नेहरू जी। वट वॉज द प्राइमरी डिमांड ऑफ द मॉडरेट ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो क्या इनका प्राइमरी डिमांड था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं चाहते थे, डोमिनियन स्टेटस की बात भी नहीं थी, डोमिनियन स्टेटस हो गया वही कि आप ब्रिटिश आपको ओवरलुक करें लेकिन उसके अंडर आपको अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेटस मिले, लेकिन अंडर ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश से कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं। इमिडिएट अबॉलिशन टू द जमींदारी सिस्टम, नहीं, इसका आंसर है सी, ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। विच एक्ट वॉज पास इन 1892 एज अ रिजल्ट ऑफ मॉडरेट डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, तो कौन सा एक्ट था वो, इंडियंस काउंसिल एक्ट, ठीक, क्योंकि मॉडरेट कुछ ना कुछ डिमांड करते रहते थे इसीलिए उनके लिए बीच बीच में इक्का दुक्का एक्ट लेके आते थे ताकि उनको पैसिफाई करते रहें एंड जो मॉडरेट्स हैं वो उनके साइड से, ब्रिटिशर्स के साइड से हमेशा रहें एंड कोई मास स्केल का प्रोटेस्ट लॉन्च ना हो। लेकिन फाइनली इसका उल्टा हुआ, जिस कांग्रेस को उन्होंने सेटअप किया था, एक्चुअली कांग्रेस उन्होंने ही इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टार्ट किया था, ब्रिटिशर्स ने, उनको था कि इंडियंस को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पे वो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है, एंड कोई मास प्रोटेस्ट वगैरह की शक्ल जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को ग्रजेस हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वो किसी मास मूवमेंट की शक्ल नहीं लेंगे, बस एक प्लेटफॉर्म उनको मिलेगा जिसमें वो डिस्कशंस करते रहेंगे। तो इस वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है सेटअप किया गया था। अब आपको क्या बोलना है, जो मैंने अभी आपको बात एक्सप्लेन की उस थ्योरी का नाम क्या था एंड ये किसने सेट किया था, ठीक है, वो कौन थे, तो ये दो चीज़ें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, खासकर वो स्टूडेंट जिन्होंने मेरी वीडियो देखी है उनको इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर पता होना चाहिए। हु अमंग द फॉलोइंग मॉडरेट वॉज नोन फॉर हिज एफर्ट्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड एस्टैब्लिश सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, दिस इज योर गोपाल कृष्ण गोखले। ये पॉलिटिकल मेंटर थे किसके, गांधी जी के। वट वॉज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द आर्म्स एक्ट ऑफ 1878, ठीक है, 1878 में आर्म्स एक्ट पास किया गया था, तो इसका प्राइमरी पर्पज क्या था, रिस्ट्रिक्ट करना पोजेशन ऑफ द फायर आर्म्स अमंग द इंडियंस। द वर्निक्यूलर प्रेस एक्ट ऑल्सो नोन एज गैगिंग एक्ट वॉज इनैक्टेड टू, किस लिए इनैक्ट किया गया था, कर्टेल करना फ्रीडम ऑफ द इंडियन लैंग्वेज प्रेस, ठीक है, और इस एक्ट के पास करने के बाद रातों रात कुछ न्यूज पेपर्स जो थे वो उन्होंने इंग्लिश में अपनी पब्लिकेशन स्टार्ट करी थी। द इल्बर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी ऑफ 1883 प्राइमरीली इन्वॉल्व विच इशू, तो क्या था कि जो ज्यूरिसडिक्शन ऑफ इंडियन जजेस है ओवर द यूरोपियन डिफेंडेंट्स, कि अगर यूरोपियन कोई किसी ने क्राइम किया होगा इंडियन जजेस जो है वो उनको ट्राई नहीं कर सकते, उनका ट्रायल जो है इंडियन जजेस के हाथों नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो इसी बिल जो थी कि ये क्या कहता था, बिल कहता था कि हाँ वो जो इंडियन जजेस हैं वो केसेस सुन सकते हैं, उनका ट्रायल कर सकते हैं यूरोपियन क्रिमिनल्स का, तो उसके अगेंस्ट फिर यूरोपियंस ने काफी प्रोटेस्ट किया था एंड ये कंट्रोवर्सी जो है अरोज हुई थी।
which Viceroy of India was responsible for the introduction of the Vernacular Press Act? This is your Lord Lytton. Who was a British official behind the proposal of the Ilbert Bill in 1883? Sir Courtney Ilbert, naam se clear hoga. The Swadeshi and the Boycott movement was launched in response to which major political event? Partition of Bengal in 1905, humne explain kiya. Who was one of the main leaders of the Swadeshi movement in Bengal? To Swadeshi movement Bengal mein one of the main leaders kon the? Bipin Chandra Pal, theek hai. Dekho, Rowlatt Act basically kya tha? इसको एनार्कियल एंड क्राइम्स रेवोल्यूशन एक्ट भी बोलते हैं. इसमें था कि किसी को भी आप इम्प्रिजन कर सकते हो एंड विदाउट फेसिंग एनी ट्रायल फॉर 2 ईयर्स. दैट मीन 2 साल तक उसको कोर्ट में कोई पेश ही नहीं होगी. आप उसको अरेस्ट करके बस जेल में रख सकते हो एंड उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी उसके केस की. एंड किसी का भी घर जो है विदाउट एनी वारंट आप सर्च कर सकते हो. तो इसको लेके फिर वन डे रौलाट सत्याग्रह जो है वो ऑर्गेनाइज हुआ था. रौलाट सत्याग्रह वन डे सत्याग्रह हुआ था, लोग जमा हुए थे एक ये रीजन की वजह से. प्लस 2 इम्पोर्टेंट लीडर्स जो हैं सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलिव. सैफुद्दीन किचलिव, ठीक है, इन दोनों को अरेस्ट किया गया था. तो इस चीज के अगेंस्ट रौलाट सत्याग्रह एंड इन लीडर्स के अरेस्ट के अगेंस्ट क्या हुआ था, लोग जमा हो गए थे फाइन एक जगह. एंड वहां के उस टाइम पे जनरल थे, जनरल ओडायर, उन्होंने क्या किया था, जो लोग एक पार्क में जमा हुए थे उस पार्क के एंट्रेंस को क्लोज करके उनपे लोगों पर फायरिंग की गई थी, ठीक है. एंड वहां पे काफी ज्यादा डेथ हुई थी. एंड इस चीज को हम बोलते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर. एंड जो मॉन्टेगु चेम्स फॉर्म रिफॉर्म है वो आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1917 का नाम है, ठीक है. इस एक्ट ने क्या कहा था कि अगर सेल्फ रूल आप डिमांड करते हैं इंडियंस तो वो एक सेडिशियस उसको ट्रीट नहीं किया जाएगा. दैट मीन्स अगर इंडियंस बोलेंगे हमें सेल्फ रूल दे दो, उसको एक्ट ऑफ सेडिशन नहीं समझा जाएगा. ये मॉन्टेगु स्टेटमेंट थी. एंड मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो है, या उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1917 भी बोलते हैं. इसके देखते हैं आगे कोई क्वेश्चन होंगे. हु वॉज वन ऑफ द मेन लीडर्स ऑफ स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल. अच्छा ये हो गया बिपिन चंद्र पाल. द स्वदेशी मूवमेंट एनकरेज द यूज ऑफ विच गुड्स, इंडियन मेड गुड्स, ये भी मैंने बताया. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ सिग्निफिकेंट फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट ड्यूरिंग द स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट. तो सिग्निफिकेंट फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट क्या था स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट के टाइम पे, नाम से ही क्लियर है, बॉयकॉट करना ब्रिटिश गुड्स को. विच नेशनलिस्ट लीडर गेव कॉल टू बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट. तो किस नेशनलिस्ट लीडर ने कॉल दी थी, बाल गंगाधर तिलक. The Swadeshi and boycott movement led to the establishment of which of the following institutions to promote Indian goods? Swadeshi bank and enterprises. तो Swadeshi banks हो गए, Swadeshi enterprises वगैरह, ये उस time पे setup होना शुरू हो गए, ठीक है. तो Indian, जैसे मैंने कहा Indian manufacturers को promote किया गया, बोला गया खुद Indian made goods जो है उनपे focus करो. अब जो सूरत स्प्लिट है 1907 का, अकर्ड बिटवीन विच टू फैक्शंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. तो सूरत स्प्लिट जो है 1907 का, जो सूरत सेशन में हुआ था, उस टाइम पे कौन से 2 फैक्शंस में कांग्रेस डिवाइड हुई थी, दैट इज योर एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स. मॉडरेट्स हो के आपके घर के जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं ना, जो सिर्फ हाँ थोड़ा बहुत बातचीत करके चीजें सॉल्व करना चाहेंगे. एक्सट्रीमिस्ट इज वन स्टेप अहेड, जो पैसिव रेजिस्टेंस जैसे बॉयकॉट वगैरह कॉल, इन सब चीजों से चीजें सॉल्व करना चाहते हैं. तो ये आपके ऐसे करके याद रख लो, यंग लोग हैं एंड ये ओल्ड लोग हैं, ठीक है. ये बस आपको याद रखने के लिए, ऐसा कोई रूल नहीं है. चलो आंसर भी मेंशन है. हु वर द प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट एंड द मॉडरेट फैक्शंस इन्वॉल्व्ड इन द सूरत स्प्लिट. तो इनके प्रोमिनेंट लीडर्स कौन थे, बाल गंगाधर तिलक एंड गोपाल कृष्ण गोखले. ये आपके मॉडरेट थे एंड ये आपके एक्सट्रीमिस्ट थे. वट इज अनदर नेम कॉमनली यूज फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, दिस इज योर मॉडलिंग मिंटो रिफॉर्म्स. विथ सिग्निफिकेंट चेंज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 इंट्रोड्यूस इन द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल. तो ऑल दो काफी चीजें लेके आए उस टाइम पे, लेकिन एक चीज के लिए एक्ट फेमस है, विच इज ए सेपरेट इलेक्टोरेट, कि मुस्लिम्स ही मुस्लिम्स के लिए वोट करेंगे, हिंदू सेपरेट इलेक्टोरेट जिनको दिया जाएगा उनमें, जैसे अगर मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया तो मुस्लिम्स ही मुस्लिम्स के लिए वोट करेंगे. तो आंसर वुड बी बी. अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द नंबर ऑफ इंडियन इन द वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वॉज इंक्रीज, ठीक है. तो पहला इंडियन कौन था जिसने ज्वाइन किया था काउंसिल एज लॉ मेंबर, दैट वॉज सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा. तो अगर क्वेश्चन आता है फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, दैट इज सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है. यानी किस एक्ट के अंडर हुआ था, मॉडले मिंटो रिफॉर्म में 1909 एक्ट. Who was the founder of the Gadar Party, an organization that played a significant role in the revolutionary nationalism phase? This is your answer is ए लाला हरदयाल, ठीक है. तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे थे. विच रेवोल्यूशनरी लीडर वॉज एसोसिएटेड विद द फाउंडिंग ऑफ अनुशीलन समिति इन बंगाल. तो अनुशीलन समिति बंगाल में किसने सेटअप किया था, ए अरबिंदो घोष ने, ठीक है.
एक आप कंफ्यूज नहीं हो जाना, एक तो अनुशीलन समिति हो गई अरविंदो घोष, और एक है आपका डका अनुशीलन। डका अनुशीलन वो किया था पुलिन दास ने, ठीक है। दो सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हैं। द अलीपुर बॉम्ब केस वॉज अ सिग्निफिकेंट इवेंट इन द रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म फेज। मैंने कहा फिर अब हमारा दो फेज आ गए थे, रेवोल्यूशन नेशनलिज्म के फेज वन फेज टू, तो ये किस में बिलीव करते थे? वॉयलेंट एक्टिविटीज में, डेकोइटीज वगैरह में। हु अमंग द फॉलोइंग, अलीपुर ऐसे वैसे इस फेज में काफी इनके ऐसे केसेस ट्रायल्स वगैरह चले थे, तो जो अलीपुर बॉम्ब केस है उसमें कौन इन्वॉल्व थे? अरबिंदो घोष। बेसिकली अलीपुर बॉम्ब केस क्या था, इसमें मैजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड जो है, ठीक है, उनपे अटैक किया गया था एंड अरेस्ट किया था इसमें प्रफुल्ला चक्की एंड खुदीराम बोस को। वो नाम आगे कहीं पे होंगे, प्रफुल्ला चक्की एंड खुदीराम बोस एंड जो कुछ और इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं इसमें जिनको ट्राई किया था वो थे आपके यही अरबिंदो घोष, ठीक है, एंड सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस देवर ट्राइड इन दिस केस एंड अरेस्ट हुए थे आपके जो मेन इसमें अक्यूज इन्वॉल्व थे, अक्यूज तो नहीं खैर वो उन्होंने किया था ये अटैक, एक आपके खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ला चक्की। विच रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द असैसिनेशन ऑफ कर्जन विली इन लंडन 1909? तो लंडन में कर्जन विली की असैसिनेशन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल था? इंडिया हाउस। द कोमागाटा मारो इंसिडेंट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स? तो कोमागाटा मारो इंसिडेंट कौन सा इंसिडेंट है? वो शिप वाला है, जब शिप में इंडियंस कहाँ से कहाँ जाने की कोशिश कर रहे थे, वो आपके जा रहे थे कहाँ तो कोमागाटा मारो इंसिडेंट क्या था? बेसिकली इसमें इंडियन इमिग्रेंट्स थे, एक जापानीज शिप थी, वो लोग हांगकांग से कहाँ जा रहे थे, हांगकांग एक ब्रिटेन कॉलोनी थी, वहां से जा रहे थे वैंकूवर कनाडा, लेकिन कैनेडियन अथॉरिटीज ने इनको रास्ते में ही स्टॉप किया था एंड वहां से वापस इनको कैलकटा भेजा था। जब कैलकटा ये आए थे तो इनके पे काफी फायरिंग वगैरह हुई थी, वहां पे कुछ डेथ्स भी हुई थी, तो इसको कोमागाटा मारो इंसिडेंट बोलते हैं। तो एक कोमागाटा मारो इंसिडेंट प्लस जो वर्ल्ड वॉर उस टाइम पे हो रहा था उस सबसे फ्रस्ट्रेट होके जो गदर मूवमेंट है उन्होंने अपना जो फाइनल एक डे डिसाइड किया था अटैक लॉन्च करने का, वो कौन सा डे था अगेन कमेंट्स में बताओ। मैं साथ साथ आपसे क्वेश्चन भी पूछ रही हूँ क्योंकि ये सारी चीजें मैंने आपको लेक्चर्स में अच्छे से एक्सप्लेन करी हैं, ठीक है। तो ये लेकिन वो जो अटैक है वो आपने फेल हुआ था क्योंकि ब्रिटिशर्स को किसी ने जासूसी करके पहले ही बता दिया था ऐसा कुछ होने वाला है। विच इंडियन रेवोल्यूशनरी अटेम्प्टेड टू असैसिनेट ब्रिटिश किंग्स जज किंग्सफर्ड लीडिंग टू एन एक्सीडेंटल बॉम्बिंग दैट रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ टू ब्रिटिश वुमेन? तो दिस इज योर अलीपुर बॉम्ब केस जो हमने अभी बताया एंड प्रफुल्ला चक्की एंड खुदीराम बोस दूसरे थे, प्रफुल्ला चक्की, ठीक। हु आर द लीडर्स ऑफ द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया? बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट। वेयर वॉज द हेडक्वार्टर ऑफ द ऑल इंडिया होम रूल लीग फाउंडेड बाई द एनी बेसेंट? इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? अदियार, चेन्नई। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज पेपर प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन प्रमोटिंग द होम रूल मूवमेंट? कॉमन वील, ठीक है, और ये किन्ने लिखा था? एनी बेसेंट ने। वट वॉज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया? तो क्या इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था? इस्टेब्लिश करना प्रोविंशियल ऑटोनॉमी विद इन द ब्रिटिश एम्पायर ऑन द लाइन्स ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड को भी एक सेल्फ गवर्निंग कॉलोनी थी ब्रिटेन के अंडर एंड एनी बेसेंट एक आयरिश लेडी थी, तो वही मॉडल वो इंडिया में भी अपनाना चाहते थे, तो इस वजह से उन्हें होम रूल मूवमेंट को लॉन्च किया था। एंड ये वो वाला टाइम था जब कांग्रेस आपकी जो पॉलिटिकल जो भी चल रही थी एक्टिविटीज उनमें एक वैक्यूम क्रिएट हुआ था, कोई काम हो नहीं रहा था उस टाइम पे। कौन पार्टी कौन सी मूवमेंट चली थी? होम रूल मूवमेंट। हु इज रेफर्ड टू एज लोकमान्य तिलक एंड वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द फर्ग्यूसन कॉलेज इन पुणे? तो लोकमान्य तिलक किसको बोलते हैं? बाल गंगाधर तिलक। विच स्लोगन वॉज फेमसली एसोसिएटेड विद बाल गंगाधर तिलक फॉर द एडवोकेसी ऑफ सेल्फ रूल स्वराज्य? तो क्या कहा था इन्होंने? स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट। विच ट्रायो नोन फॉर देयर एक्सट्रीमिस्ट आउटलुक इंक्लूडेड बाल गंगाधर तिलक अलॉन्ग विद लाला लाजपत राय एंड बिपिन चंद्र पाल? तो इन तीनों को शॉर्ट में क्या बोला जाता है? लाल बाल पाल। विच ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एक्सप्रेस सिंपथी फॉर द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन ऑल्दो ही अल्टीमेटली अपोज ग्रांटिंग होम रूल एट द टाइम? ठीक है, तो किसने सपोर्ट किया था ऑल्दो ग्रांट करने के लिए होम रूल, उस चीज को अपोज किया था बट होम रूल मूवमेंट के साथ थोड़ी सिंपथी अपनी दिखाई थी? दैट वॉज योर डेविड लॉयड जॉर्ज, ठीक है, एंड क्लेमेंट एटली कौन थे? जब इंडिया इंडिपेंडेंस इंडिया को मिली थी उस टाइम ब्रिटिश पीएम।
Who presided over the Lucknow session of the INC in 1916 and where was it formulated? वो तो पता ही है लखनऊ. एंड उस टाइम पे जो सेशन हुआ था INC का, जब लखनऊ पैक्ट बना था, तो उस टाइम पे INC के लीडर, उस सेशन के लीडर कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे उस सेशन के? AC मजुमदार. और लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग और INC यूनाइट हो गए थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग एंड एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स. ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स वो भी यूनाइट हो गए थे. व्हाट वाज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट आउटकम ऑफ द लखनऊ पैक्ट? अच्छा, यही जो हमने अभी देखा, डिमांड फॉर द कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, नहीं. एनलमेंट ऑफ द पार्टीशन इन 1911, नो. अब जो पार्टीशन ऑफ बंगाल ब्रिटिशर्स ने 1905 में कहा था हम करेंगे, उसके बाद उन्होंने उस पार्टीशन को रोका भी था 1911 में. ठीक है, ग्रांटिंग ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, यस, क्योंकि INC एंड मुस्लिम लीग इसमें साथ में आए थे, तो कुछ शर्तों पे आए थे. मुस्लिम लीग ने कहा था जो सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स को ग्रांट किया गया है वो INC भी एक्सेप्ट करेगी. ठीक है, विच इवेंट फैसिलिटेटेड द रीयूनियन ऑफ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट विद इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द लखनऊ पैक्ट? तो मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट किस बात पे साथ में आए थे, क्योंकि उस टाइम पे डेथ हो गई थी मॉडरेट लीडर्स की लाइक गोखले एंड फिरोजशाह मेहता. ठीक है, ऑल दो काफी रीजंस थे, लेकिन आपको क्या करना है, क्वेश्चन में आप पहले ऑप्शंस देखोगे, जो ऑप्शंस आपको दिए गए होंगे उसमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा वो आप सेलेक्ट करोगे. ठीक है, तो इन वाले ऑप्शंस में मोस्ट अप्रोप्रिएट इज योर सी, सॉरी बी. हु वर सम ऑफ द की फिगर्स रिप्रेजेंटिंग द यंगर जनरेशन इन द मुस्लिम लीग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लखनऊ पैक्ट? दैट इज योर मौलाना आजाद एंड मोहम्मद अली. विच ईयर मार्क द बिगनिंग ऑफ महात्मा गांधी का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट यहाँ की पॉलिटिक्स में? इट इज 1970s, जब क्या स्टार्ट हुआ था आपका, चंपारण. तो कैसे करके मैंने कहा था याद रखने के लिए, केक, चंपारण, अहमदाबाद एंड खेड़ा. इन विच रीजन ऑफ इंडिया डिड महात्मा गांधी लॉन्च हिज फर्स्ट मेजर सत्याग्रह मूवमेंट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिगो फार्मर्स बाय द ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स? चंपारण सत्याग्रह. ठीक है, तो पहला चंपारण हुआ था, ये अगेंस्ट इंडिगो प्लांटर्स हुआ था. ठीक, और किसने किया था, इंडिगो फार्मर्स ने. तो इसकी सारी डिटेल्स वगैरह लेक्चर में प्रेजेंट है, अभी इसके लिए सिर्फ ये MCQ सेशन है, तो आप इतना भी याद रखोगे तो चलेगा. ये इंडिगो फार्मर्स किसके साथ एसोसिएटेड हैं, चंपारण स्ट्रगल के साथ. व्हाट वाज द मेन इशू एड्रेस बाय महात्मा गांधी इन द खेड़ा सत्याग्रह ऑफ 1914? तो जो खेड़ा सत्याग्रह है वो किस चीज के रिलेटेड था? दिस वॉज अनफेयर टैक्स असेसमेंट एंड रिलीफ ड्यूरिंग अ फमीन. Which of the following incidents led to the Mahatma Gandhi to initiate the Ahmedabad mill workers strike in 1918? तो हमने चंपारण भी देखा किस वजह से हुआ था, खेड़ा भी देखा किस वजह से हुआ था, and आपका अहमदाबाद वाला struggle वो देखते हैं किस वजह से हुआ था. It was plague bonus and wage dispute in textile mills. What method did Mahatma Gandhi employ during चंपारण, खेड़ा and अहमदाबाद struggles to protest against injustice and exploitation? तो क्या ये कौन सा मेथड, मेथडोलॉजी इन्होंने यूज की थी? पीसफुल नॉन कॉपरेशन की, तब नो इकोनॉमिक बायकॉट भी इन्होंने नहीं कहा था, आर्म रेबिलियन भी नहीं कहा था, सिविल डिसोबीडियंस. सिविल डिसोबीडियंस क्या होता है, जो एक टाइप ऑफ डिसोबीडियंस आपके मासेस से आती है, जैसे हम टैक्सेस नहीं पे करेंगे, ठीक है, या हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाएंगे, दैट इज अ काइंड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस. व्हाट स्लोगन डिड महात्मा गांधी पॉपुलराइज ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट? दिस इज डू और डाई. What significant outcome was achieved as a result of Mahatma Gandhi's leadership in Champaran, Kheda and Ahmedabad struggles? So, kya significant outcome tha? Recognition of non-violent resistance and satyagraha as effective tools for political change. तो इन्होंने एक काइंड ऑफ रास्ता दिखाया इस फ्रीडम मूवमेंट को, कि नॉन वायलेंट तरीके से भी आप अपनी बात मनवा सकते हो, क्योंकि जो तीनों स्ट्रगल हुए थे इसमें फाइनली बात किसकी मानी गई थी, जैसे जो चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद जो भी स्ट्रगल सत्याग्रह हुए थे, फाइनल कंक्लूजन में इनमें महात्मा गांधी की ही जीत हुई थी. तो उन्होंने एक रास्ता दिखाया था किस तरीके से आपको अपना स्ट्रगल करना चाहिए. रोलैट एक्ट 1919 पास इन 1919 एम टू ग्रांट मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंस, नो. इंक्रीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन एंड काउंसिल्स, नो. सप्रेस करना पॉलिटिकल डिसेंट को एंड कर्ब करना रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को, द आंसर इज सी. तो ये क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया. हु वॉज द ब्रिटिश ऑफिशियल बिहाइंड द इनैक्टमेंट ऑफ रोलैट एक्ट इन इंडिया? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो उस टाइम पे कौन से वॉइसराय थे जब रोलैट एक्ट पास किया गया था, दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली हिंटिंग एट दैट. तो द आंसर इज डी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड. द खिलाफत मूवमेंट इन इंडिया वॉज लॉन्च इन सपोर्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर, सॉवरेनिटी एंड द कैलिफेट? आंसर इज बी.
तो जो खिलाफत मूवमेंट हुई थी वो बेसिकली किस बात पे हुई थी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन में जिस पार्टी में टर्की था वो पार्टी ने हारा था, ठीक है। तो उसके बाद उसके साथ काफी ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ सेवेरीज बोलते हैं उसको, या ट्रीटी ऑफ सेवियर्स जो प्रोनाउंस करना है कर लो, वो साइन की गई थी, जिसने कहा था कि पहले टर्की में क्या था, ऑटोमन एम्पायर, खलीफा का रूल था, खलीफा रिलीजियस फिगर थी मुस्लिम्स के लिए वर्ल्ड वाइड, तो उसको डिसमेंबर किया गया था, ठीक है, और टर्की को डिसमेंबर किया गया था, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट जो मुस्लिम्स जो हैं उन्होंने भी क्या किया था, प्रोटेस्ट किया था एंड अपनी खिलाफत मूवमेंट लॉन्च की थी। तो गांधी को काफ़ी अच्छा टाइम लगा, उनको लगा मुस्लिम्स ऑलरेडी किसी चीज़ को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये ऐप टाइम है कि जो हिंदूज हैं वो भी सामने आए, एक यूनिटी जो है सामने रखे, और अपनी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खिलाफत मूवमेंट के साथ मिला के एक मूवमेंट कॉल्ड एज खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक प्लेटफॉर्म से लॉन्च करें यूनाइटेड होके, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही यूनिटी की बातें करते थे। हु वर द प्रोमिनेंट लीडर्स एसोसिएटेड विद द खिलाफत मूवमेंट ऑन मूवमेंट इन इंडिया? तो प्रोमिनेंट लीडर्स कौन से थे? मोहम्मद अली एंड शौकत अली। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च बाय महात्मा गांधी एम टू बॉयकॉट करना ब्रिटिश गुड्स एंड इंस्टीट्यूशन एज अ मीन्स ऑफ प्रोटेस्ट, सीक करना कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स या डिमांड करना कंप्लीट इंडिपेंडेंस। एक्चुअली इट वॉज टू प्रमोट रिलीजियस टॉलरेंस एंड कम्युनल हारमोनी, क्योंकि थ्रू देयर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी क्या चाहते थे, जो हिंदूज एंड मुस्लिम्स हैं उनके आपस में यूनिटी जो है वो बढ़े, क्योंकि उनको पता था अगर ये साथ मिलेंगे तो ही ये ब्रिटिशर्स को अच्छी फाइट दे सकते हैं। वेन वॉज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफिशियली लॉन्च बाय महात्मा गांधी? इट वॉज लॉन्च इन 1920। वॉट इवेंट सर्व एज अ ट्रिगर फॉर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? दिस इज योर खिलाफत इशू। विच इंसिडेंट लेड टू द सस्पेंशन ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अच्छी चल रही थी, काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी थी, लेकिन क्या हुआ था, कुछ लोग एक पुलिस स्टेशन के इर्द गिर्द जमा हो गए थे और उन्होंने उस पुलिस स्टेशन को आग लगाई थी, एंड वहाँ पे 22 पुलिसमैन जो है वो 22 और समथिंग ऐसा ही कुछ नंबर है, नंबर इंपॉर्टेंट नहीं याद रखना, एक पुलिस ऑफिशल्स जो है उनकी डेथ हो गई थी। और ये कहाँ पर हुआ था? चोरी चौरा में हुआ था, इसको चोरी चौरा इंसिडेंट बोला जाता है। वट वॉज द मेन रीजन फॉर द सस्पेंशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बाय महात्मा गांधी? क्या था इनका मेन रीजन? फियर ऑफ फर्दर रिप्राइजल्स फॉलोइंग द चोरी चोरा इंसिडेंट जो मैंने अभी आपको बताया। हु वर द लीडर्स ऑफ स्वराजिस्ट फैक्शन विद इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस INC? ठीक है, अब क्या हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसमें जब गांधी को भी अरेस्ट किया गया था चोरी चोरा इंसिडेंट के बाद, तो दो फैक्शन आ गए थे, ठीक है, एक आपके स्वराजिस्ट थे या जिनको प्रो चेंजर्स बोलते हैं, एक आपके नो चेंजर्स थे। तो जो नो चेंजर्स है वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे अभी तक जैसा काम हो रहा है काम वैसा ही हो, गांधीयन लाइंस पे हो, एंड हम इसमें कोई चेंजेस नहीं लाएं। लेकिन जो प्रो चेंजर्स हैं वो चाहते थे कि नहीं, अब हम इलेक्शंस वगैरह लड़े, हम जो काउंसिल है उसमें हमें एंट्री मिले, और मतलब उस लाइंस पे हम चलें, ठीक है, हम इलेक्शन लड़ के अब जो अपनी बात है वो सामने रखें। तो यही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, हु आर द लीडर्स ऑफ द स्वराजिस्ट फैक्शन विद इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस? वो लीडर्स कौन थे? सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू, ठीक है, ये दोनों किस चीज़ को सपोर्ट करते थे? ये दोनों सपोर्ट करते थे चेंज को, तो इनको प्रो चेंजर्स भी बोला जाता है, ठीक। एंड आगे के क्वेश्चन देते हैं इसी के रिगार्डिंग, ये आपको क्लियर हो गया हो। एंड जो पहले मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट का स्प्लिट हुआ था, जो हमने पढ़ा कहाँ हुआ था, सूरत में, वो वायलेंट स्प्लिट था, ठीक है, वो काफ़ी लड़ाई झगड़ा बातें एक दूसरे को सुना सुना के हुआ था, एंड इसको साइलेंट स्प्लिट बोला जाता है। ये वैसा वायलेंट नहीं था, क्योंकि ये पार्टी जो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर ही बनी थी, ये कांग्रेस से अलग नहीं हुई थी। वट वॉज द प्राइमरी गोल ऑफ स्वराजिस्ट विद इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो इनका प्राइमरी गोल था एंट्री इन टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिससे मैंने कहा काउंसिल एंट्री इनको चाहिए थी। हु वर द लीडर्स ऑफ नो चेंजर्स? ठीक है, अब हमने प्रो चेंजर्स देखे, नो चेंजर्स थे आपके राजगोपालाचारी एंड MA अंसारी। वट वॉज द मेन आर्ग्यूमेंट ऑफ नो चेंजेस अगेंस्ट द स्वराजिस प्रपोजल ऑफ एंटरिंग लेजिस्लेटिव काउंसिल? तो मेन इनका आर्ग्यूमेंट क्या था? इट वुड लीड टू द निग्लेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव वर्क एंड लॉस ऑफ रेवोल्यूशनरी जील, आंसर ए है, ठीक है। तो जो अभी तक काम हो रहा है लोगों में, जो रेवोल्यूशनरी माइंड सेट, वो एंथुजियाजम जागा है, वो सारा खत्म हो जाएगा और कोई कंस्ट्रक्टिव वर्क जो है काउंसिल्स में एंट्री लेने के बाद नहीं होगा। विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सॉ द डिफीट ऑफ स्वराजिस्ट प्रपोजल ऑफ एंडिंग और मेंडिंग इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल? दिस इज गया सेशन। तो फाइनली गया सेशन में जो प्रपोजल था जो स्वराजिस्ट ने सामने दिया था उसको डिफीट किया गया था, एंड नो चेंजर्स जो थे उनकी बात को ही मान, मतलब उस सेशन में ऐसा हुआ था, लेकिन उनने भी ये नहीं माना था स्वराजिस्ट प्रपोजल जिन्होंने दिया था, जैसे आपके सी आर दास है, मोतीलाल नेहरू है, तो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, ठीक है, तो ये विद इन द कांग्रेस काम कर रही थी, एंड बाद में इन्होंने इलेक्शंस वगैरह वो सब चीजें भी की थी।
विच फैक्शन ब्रोक अवे फ्रॉम द स्वराजेस एंड फॉर्म्ड रिस्पॉन्सिविस्ट कॉपरेशन पार्टी ड्यू टू इंटरनल डिविजन्स. ठीक है, तो वो थे आपके रिस्पॉन्सिविस्ट एंड नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट. ये क्वेश्चन में ही आंसर है. तो हुआ क्या था बेसिकली, फिर जो स्वराजेस थे आगे जाके उनमें भी फैक्शंस हुए थे, वो रेस्पॉन्सिविस्ट में और नॉन रेस्पॉन्सिविस्ट में डिवाइड हुए थे. जो रेस्पॉन्सिविस्ट थे वो क्या बोलते थे, वो चाहते थे कि गवर्नमेंट के साथ हम कॉपरेशन करें, एंड नॉन रेस्पॉन्सिविस्ट इसका ऑपोजिट चाहते थे. तो फिर आगे जाके ये भी वीक हो गए क्योंकि इनमें और ज्यादा फैक्शन देखने को मिले. हु वर द लीडर ऑफ द रेस्पॉन्सिविस्ट फैक्शन विद इन द स्वराजेस? तो रेस्पॉन्सिविस्ट के लीडर्स कौन थे? लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालविया एंड एनसी केलकर. विच इवेंट लेड टू द वीकनिंग ऑफ स्वराजेस पोजिशन इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल? तो उनकी पोजिशन किससे वीक हो गई? उनकी पोजिशन वीक हो गई क्योंकि उनके एक प्रोमिनेंट लीडर जो थे उनकी डेथ हो गई. वेन डिड द मेन लीडरशिप ऑफ स्वराजेस पार्टी विदड्रॉ फ्रॉम द लेजिस्लेचर? इज इज मार्च 1926. वट वॉज द रेजोल्यूशन पास एट द लाहौर सेशन 1929 दैट लेड टू द फाइनल विदड्रॉवल ऑफ द स्वराजेस फ्रॉम द लेजिस्लेचर? तो फाइनली लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस 1929 में हुआ था, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन पास हुआ था, दैट इज योर रेजोल्यूशन फॉर पूर्ण स्वराज. अभी तक हमने पढ़ा 1906 में हमने देखा स्वराज जो है वो एम बोला गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस की, ठीक है, कि हमें सेल्फ रूल दे दो अंडर ब्रिटिशर्स. लेकिन पूर्ण स्वराज का मतलब होता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस. अभी इसको लेके और भी क्वेश्चंस आएंगे, वो हम पार्ट टू में कवर करेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल इज एट्रीब्यूटेड टू राजा राम मोहन रॉय? फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस को बोला जाता है. विच सिग्निफिकेंट सोशल रिफॉर्म डिड राजा राम मोहन रॉय क्रूसेड अगेंस्ट लीडिंग टू द गवर्नमेंट रेगुलेशन अगेंस्ट इट इन 1829? ठीक है, तो उन्होंने किस चीज़ के अगेंस्ट बहुत काम किया एंड फाइनली वो चीज़ को एबॉलिश किया गया बाय द बंगाल रेवोल्यूशन ऑफ 1829, दैट वॉज अगेंस्ट सती. ठीक है, अब ये जो कुछ चीज़ें हैं ये हमने लेक्चर्स में कवर नहीं की हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में ही इंक्लूड किए हैं. विच न्यूज़ पेपर वॉज फाउंडेड बाय बाल शास्त्री जामदेकर अर्निंग हिम द टाइटल ऑफ फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म? एंड द आंसर इज दर्पण. दर्पण एंड दिगर्शन दूसरा इनका न्यूज पेपर था. हु फाउंडेड द सत्यशोधक समाज इन 1873? दिस इज ज्योतिबाई फूले. प्रमोट करने के लिए सोशल सर्विस एंड एजुकेशन अमंग द लोअर कास्ट एंड वुमेन. विच लीडर वॉज द फर्स्ट एडिटर ऑफ मराठी न्यूज पेपर केसरी स्टार्टेड बाय लोकमान्य तिलक? तो इनके पहले जो एडिटर है वो कौन थे? गोपाल गणेश अगरकर. 87 क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, बी. तो ये जो क्वेश्चन है ये काफी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आ चुका है, ये एडिटर वाला. काफी क्वेश्चन इसमें हैं जो PYQs हैं, डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम जो हुए हैं अक्रॉस इंडिया के, तो इसमें से ये भी एक इंपॉर्टेंट है. इस क्वेश्चन की रिपीटेशन मैंने बहुत देखी है. हु फॉर्म द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905? दिस इज गोपाल कृष्ण गोखले. विच लीडर एडवोकेटेड नियो हिंदुइज्म एंड एम्फेसाइज द बैलेंस बिटवीन मटीरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म पार्टिसिपेटिंग इन द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन हेल्ड एट शिकागो 1893? तो ये क्या था? स्वामी विवेकानंद ने. ठीक है, जो एक क्वेश्चन है ना इसमें से तीन चार क्वेश्चन बन सकते हैं, किन्होंने एडवोकेट किया था न्यू हिंदुइज्म को, किन्ने पार्टिसिपेट किया था पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन को जो शिकागो में हुई थी. तो ये क्वेश्चन एक्चुअली ऐसे आए हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है, इस क्वेश्चन को तोड़ के दो तीन क्वेश्चन बनाए हैं, तो मैंने इसको एक ही क्वेश्चन में लिखा हुआ है एंड आंसर है स्वामी विवेकानंद. हु फाउंडेड आर्य समाज इन 1875 एंड एडवोकेटेड फॉर द स्लोगन बैक टू वेदास? तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन भी इसी से स्टार्ट किया था आई गेस. तो यहाँ पे बेसिकली मुझे बैक टू वेदास स्लोगन का लिखना था, दैट इज योर दयानंद सरस्वती. ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक मेजर पोर्शन कंप्लीट हो जाता है मॉडर्न हिस्ट्री का. सेकेंड इसमें वीडियो में मैं और लेके आऊंगी और ऐसी क्रोनोलॉजी में हम चलेंगे ईयर वाइज, तो जिससे हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री है पोर्शन वो कवर हो जाएगा वाया MCQs. फाइन, अगर आपको वीडियो पसंद आया डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, बताएं आपको वीडियोज कैसे लगते हैं एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. एंड कुछ दिनों में मेरे आप क्या करोगे, हेल्प करोगे 10,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाने की. फाइन, तो टिल आई अपलोड न्यू वीडियो, बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे.